तो पूलन देवी के सामने भी तो बहुत ज्यादा अत्याचार हुआ था, निर्वस्त्र करके सब के सामने घुमा दिया गया था। सोचिए किसी महिला का 25-30 आदमियों ने रेप करके और निर्वस्त्र करके सबके सामने घुमा। सबसे खतरनाक आदमी होता है एक शरीफ इंसान, जब उसके अंदर से जीने की ख्वाहिश खत्म हो जाए, फिर वो परमाणु बम से नहीं डरता है। उसने कहा अब बचल कौन चीज ससुरा, एक समाज ने जाति के नाम पे हमेशा प्रताड़ना किया। उसके बाद उसी समय फूलन देवी ने डाकुओं का गिरोह शामिल की और उसके बाद एक एक को चुन चुन के मार दिया। चंबल में, बिहार चंबल का एरिया था, बिहार बोलते हैं ना वहाँ पे, यहाँ पे पूरा उस समय फूलन देवी, देखिए फूलन देवी जो भी है हत्या की, आप किसी भी हत्या को सही नहीं ठहराएंगे, लेकिन ये भी देखिए उसके साथ क्या हुआ है, समाज ने क्या किया उनके साथ। यहाँ पे बिहार में एकदम खतरनाक थे, वहाँ पे गरज उठी थी बिहार में, वो बंदूक पुरानी थी, नाम था उसका फूलन देवी, वो चंबल की रानी थी।